एवी9 टीवी में आपका स्वागत है। हर खबर पर पहली नजर। चौमू जिला जयपुर से हमारे संवाददाता राजेश कुमार जांगिल की यह रिपोर्ट। चौमू काला देरानी सर चौमू थाना पुलिस द्वारा 23 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन चौमू की एक कोचिंग संस्थान के खिलाफ कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के विरोध में सोमवार को शिक्षकों के साथ सड़क पर उतर कर शिक्षकों ने पुलिस के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन चौमू तहसीलदार को ज्ञापन दिया तथा चौमू थानाधिकारी समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि जानकारी के अनुसार 23 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन चौमू में स्थित सारांश कोचिंग संस्थान में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए करीब 300 से अधिक संख्या में विद्यार्थियों मौजूद थे। चौमू थाना पुलिस ने संस्थान पर कार्रवाई करते हुए 2 संचालकों व 10 शिक्षकों को पकड़कर पुलिस थाने लेकर आई थी। वहीं प्राइवेट टीचर एसोसिएशन का आरोप है कि शिक्षकों के साथ संगीन अपराधियों की तरह बैठाकर वीडियोग्राफी करवाई गई थी। इससे नाराज प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस कार्रवाई के विरोध में पैदल मार्च कर चौमू तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पुलिस पर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार व नाजायज परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है। प्राइवेट एजुकेशन एसोसिएशन ने थानाधिकारी व अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।